नमस्ते कैसे थे आप सब लोग ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई आयु अमेजिंग ऑसम सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आई ये सेल्फ सेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट वाली सक्सेस स्टोरी है जिसके अंदर इनके पार्टनर का बिहेवियर सिर्फ इनके सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से बदल गया आई थिंक ये सक्सेस स्टोरी तो सबको ही एक बार सुन ही लेनी चाहिए कहा गई मैंने ऐसा हिलाया फोन कि मेरी सक्सेस स्टोरी उड़ गई मिल गए हाँ तो इन्होंने लिखा है आपकी सेल्फ लव वाली चीज़ ने मेरी जिंदगी बदल करके रख दी है उस इंसान को मेरे लिए बदल करके रख दिया है जो इंसान कभी भी मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता था और वो था मेरा आठ साल से बना हुआ बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ जाने की वजह से अब मैं अपनी इस रिश्ते में कद्र खो चुकी थी वो जो चाहता था वैसे बात करता था जिस भी लैंग्वेज में उसका मन करता था बात करता था कई बार तो उसने गाली भी दी है और कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसने मेरे फैमिली मेम्बर तक को भी उल्टा सीधा बोल दिया है सिर्फ वो रिश्ता बचाने के चक्कर में मैं हमेशा चुप रहती थी हाँ में हाँ उसके मिलाती रहती थी लेकिन आपके वीडियोस देखने के बाद में मेरे अंदर जागा कि नहीं मुझे गालियां सुननी है क्या इस रिश्ते में इसलिए आई हूं मुझे इतना ज्यादा इसका टॉक्सिक बिहेवियर सिर्फ इसलिए झेलना है क्योंकि हम आठ साल से रिश्ते में हैं और अगर मैं आठ साल से रिश्ते में हूं तो ये भी तो आठ साल से मेरे साथ रिश्ते में है हाँ जी ये आपकी ही बोली हुई बात है और मैंने इसको अपने मन में इतनी बार दोहराया है जब आपने मुझे ये समझाया था कि आप दोनों आठ साल से रिश्ते में हो ना आप अकेले तो नहीं हो अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे जो आपका पार्टनर कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने पार्टनर को क्लियरली बोल देना चाहिए बस फिर क्या था आपकी दी हुई हिम्मत से मैंने हिम्मत जुटा करके अपने पार्टनर को सीधा मुंह पर बोल दिया आज के बाद मुझे अगर गाली दी मेरे घर वालों को गाली दी मुझसे बदतमीजी से बात की चार लोगों के बीच में खड़ा करके मुझे बेइज़्जत किया उसी दिन उसी पल मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना इतना बोला मैंने अपनी उस डेट पर और उस दिन से जो मैजिक होना शुरू हुआ है वो तो शब्दों में मैं नहीं बता सकती क्योंकि उसके बाद में मैं घर आ गई और उसके बाद मैंने अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं की क्योंकि वो इतना बदतमीज़ी से मुझसे बात कर रहा था उसने मेरे फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स के बीच में, में मेरा मजाक बनाया मेरे मम्मी पापा का भी जोक बनाया और मुझे तो गाली दे करके ही बोल रहा था कोई छोटी मोटी बात हो जाती है आप अपने पार्टनर को ऐसे नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी सेल्फ लव डेवलप हो चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ जादू प्रैक्टिस सीरियसली उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ लव आ गया है कि मेरे पार्टनर को अब मेरी एक्सरसाइज तक से दिक्कत होने लगी है उसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतनी फिट रहना चाहती हूँ अब उसे यह थोड़ी ना पता है कि ये सारे आपके दिए हुए टास्क थे अब ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं मैंने पूरी जादू प्रैक्टिस फॉलो की है मैं दोबारा से भी शुरू करूँगी लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस दिवाली से वापस जादू प्रैक्टिस को शुरू करूँगी कुछ दिन का गैप लिया है अब इस बीच आपको कहानी बताती हूँ हुआ क्या कि मैं जब घर आ गई मैंने अपने पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं की मैंने सीधा बोला कि मुझे इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं बेजती झेलने के लिए इस रिश्ते में नहीं आई हूँ जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं वैसे ही मेरे भी मम्मी पापा हैं अगर मेरे मम्मी पापा या मुझे गाली दे दी या फिर मैंने ऐसा कोई भद्दा मजाक सुन लिया तो उसी टाइम ये ख़त्म और मैं इसे आज खत्म करके ही आई हूँ बस इतनी ही बात मैंने उसके बाद उससे की थी उसके बाद जो वो इंसान बदला है पंद्रह दिन के बाद उसने मुझे जो मनाना शुरू किया मुझसे सॉरी बोला और कहा कि मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ और उसके बाद फिर से उसने गुस्से में वही वाली बात बोल दी फिर मैंने उसको बोला कि अब सब खत्म अब बस मैं अपनी इज्जत से ऊपर अब तुम्हारे रिश्ते को नहीं रख सकती आठ साल का अगर मेरा रिश्ता है तो तुम्हारा भी है यही बोला मैंने और बात ख़त्म कर दी उसके बाद जो हुआ है वो मैजिक से कम नहीं है मेरे पार्टनर ने अपने सारे दोस्त मेरे सारे दोस्त मेरे फैमिली मेंबर और सबके सामने मेरे पैर छुए लिटरली उसने मेरे पैर छुए और कहा कि मैं मान गया मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिंदगी में अब अगर कभी ऐसा हो तो ये सब लोग गवाह हैं ऐसा ज़िंदगी में मैं कभी नहीं करूँगा मैं अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी और किसी की भी इंसल्ट नहीं करूँगा आई अंडरस्टैंड मैं अपनी बहन को भी यही सिखाऊंगा जैसा तुम मेरे साथ बर्ताव कर रही हो ऐसा अगर हर लड़की करेगी तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी उसको बुरी शब्द बोलने के लिए बुरे शब्द बोलने के लिए आई एम रियली वेरी हैप्पी नाउ क्योंकि ये जो हुआ है अब इसके बाद तो सचमुच में मेरा पार्टनर कुछ भी नहीं कर सकता उसके बाद मेरी जो इज़्ज़त उसकी नज़रों में बड़ी है वो तो अलग ही है थैंक यू सो मच शाम्बावीदी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कंग्रेचुलेशन हाँ जी तो इनके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ इनसे मेरा कॉल कंसल्टेशन चला था शुरू में ये बहुत डर रहे थे कि मैं अपने पार्टनर को अगर ऐसे बोल दूंगी तो वो छोड़ देगा ऐसे बोल दूंगी तो वो कर देगा तो मैंने उनको यही बोला कि इससे कहीं बेहतर होगा कि वो छोड़ दे अगर आप पूरी जिंदगी गाली खाने के लिए तैयार हैं अपने घर वालों को गाली खिलवाने के लिए तैयार हैं अपनी बेजती आम चार लोगों के बीच में करवाने के लिए तैयार हैं तो उसे कहीं बेहतर है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए यहीं कम से कम अभी आपने शादी नहीं की है उसके बाद उसे तोड़ने में आपको और टाइम लग जाएगा सो बेटर है यहीं पे फुल स्टॉप लगाएं उसको क्लियर कट एक जवाब दे दें नहीं होगा नहीं होगा और अगर ये आठ साल का रिश्ता आपके लिए है तो उसके लिए भी है हम नॉर्मली क्या करते हैं मेरा आठ साल का रिश्ता है मेरा आठ साल का रिश्ता है मेरा आठ साल का अरे मेरा आठ साल का रिश्ता क्या है उसका भी तो सामने वाले का भी तो आठ साल का रिश्ता है ये समझना बहुत जरूरी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपना सेल्फ लव या अगर आपके अंदर नहीं होगा तो वैसे भी रिश्ता एक समय के बाद में टॉक्सिक होता ही है एक समय के बाद में वो रिश्ता टूटता ही है एक समय के बाद में उस रिश्ते के अंदर दरार आती ही है रीज़न ये होता है कि हम अपने आप से दूर होते हैं तो वो इंसान हमसे दूर होने लग जाता है ये सारा का सारा जो मैटर है ना ये एनर्जी का गेम होता है और अगर आपकी एनर्जी अपने आप से दूर है और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं आप गालियाँ सुन रहे हैं तो आप गालियाँ ही मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अब आपके साथ डबल किया जाएगा पहले सिर्फ आपको गाली दी जाती थी फिर धीरे से आपके माता पिता को गाली दी जाएगी फिर धीरे से जब आपके माता पिता को भी गाली देके कंप्लीट हो लेगा मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो चार लोगों के बीच में आपको गाली दी जाएगी तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल तक खराब हो सकता है ये किसी और की गलती नहीं होती है ये अपना मैनिफेस्टेशन होता है जहां हमें अपने लिए एक्शन लेने होते हैं स्टैंड लेना होता है शब्द बोलने होते हैं बोलना होता है स्टॉप ये रिश्ता मेरे लिए वहीं तक है जहां तक मेरी इज्जत का सवाल सरे आम सड़क पे नहीं आता बेडरूम में मुझे गालियां नहीं दी जाती रूम में मुझे गालियां नहीं दी जाती सड़क पे मुझे गालियां नहीं दी जाती मुझे किसी भी लेवल का मेंटल एंड फिजिकल अब नहीं होता ये रिश्ता चलेगा अदरवाइज प्लीज भाग्ये यहां से निकल जाइए सच बोल रही हूं अगर सामने वाले इंसान के अंदर इतना सा भी आपके लिए प्यार है और ये तो हमें ही समझ में आ जाता है ना कि सामने वाले इंसान के अंदर हमारे लिए प्यार है और अगर मान लीजिए उसके लिए उसके अंदर नहीं भी आपको ये भी लग रहा है तो ये भी आपका मैनिफेस्टेशन ही होता है जो कि आपने अपनी एनर्जी की वजह से बना लिया होता है हम कई बार रिश्तों में इतने क्लिंगे हो जाते हैं इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं हर लेवल पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और स्पेशली फीमेल्स का तो हाल इसमें बहुत ही बुरा है हम डिपेंडेंट ही होना पसंद करते हैं क्यों हम इनडिपेंडेंट नहीं हो सकते चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो क्यों नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी फीमेल्स को आज की डेट में उठ के खड़ा होना चाहिए हर जगह पे इंडिपेंडेंट होने के लिए स्पेशली रिलेशनशिप मैटर में क्योंकि उनको ही लगता रहता है हमेशा मैंने ज्यादातर केसेस में देखा है देखिए मैं सबके बारे में तो नहीं कहूंगी पर ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है मेरा रिश्ता शादी भी बचानी होगी ना लेडी को तो मेरी शादी अरे आपकी शादी उस आदमी की शादी नहीं है जितना आप जद्दोजहद कर रहे हैं पहले ये देखिए उस जद्दोजहद में आपने बर्दाश्त कितना किया और अगर आपने बर्दाश्त किया तो पहले ही मौके पे आपने स्टॉप क्यों नहीं किया और अगर नहीं किया तो आप क्यों रुके हैं स्टॉप कीजिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है भाई उस रिश्ते से आपकी इज्जत इंपॉर्टेंट है उस रिश्ते से आप समझने की कोशिश कीजिए अगर ये चीजें आप करते हैं तो ही आपकी एनर्जी ऊपर उठती है जब आप अपनी इज्जत करते हैं तो आप इज्जत मैनिफेस्ट करते हैं जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आप लव मैनिफेस्ट करते हैं यही है मेन सीक्रेट और अगर आप ये सीक्रेट समझ जाते हैं तो आप सब कुछ समझ जाते हैं अपना अपना रखिए ख्याल अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार था अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार लव यू